You both can move out in the lunch break, but you are not allowed to. So with acid, base and salt, if I am saying this chapter begun with indicators in your books, so you have indicators litmus, phenolphthalein, methyl orange, you have China rose, so many indicators are there. Like if I am talking about litmus, so litmus will convert red into blue when there is base. ठीक, जस्ट आप एक ये जो लेक्चर है ना बेटे, सिर्फ मुझे सुनो, कुछ और नहीं देखना, कुछ और नहीं करना, सिर्फ सुनना है, समझ गए क्या मैं क्या बोल रही हूँ? बस सुनना ही है, बस अकेला उसको दिमाग में लेके जाने की कोशिश करनी, मैंने पूरा चैप्टर बोल देना अभी, ठीक है? तो लिटमस स्टार्ट होता है बेटे, लिटमस अगर एसिड हो तो वो ब्लू टू रेड करेगा, अगर बेस हो, बेस क्या है, बी से स्टार्ट है, तो आपको रेड से ब्लू ही मिलेगा, ठीक है? बी बी, ओके, रेड से ब्लू, और ब्लू से रेड अगर एसिड होगा, अगर फिनोप्थलीन इंडिकेटर है तो एसिड में कलरलेस है, ब्लड प्रेशर होता है, बेस है तो पिंक है, ठीक है? बीपी, ओके, फिनोप्थलीन पिंक कलर इन द बेस, कलरलेस इन द एसिड, ओके, मिथाइल ऑरेंज विल गिव यू द कलर रेड, रेड इन एसिड, एसिड का साइन देखो रेड होता है, रेड इज लिंक्ड विद एन एसिड एंड मिथाइल ऑरेंज विल गिव यू कलर येलो इन केस ऑफ बेस, समझ आ गई? मिथाइल ऑरेंज विल गिव येलो इन बेस, रेड इन एसिड एंड फिनोप्थलीन में इट इज कलरलेस इन केस ऑफ एसिड, ब्लड प्रेशर से याद रखो फिनोप्थलीन बेस में अपना कलर पिंक शो कर देता है, पी फॉर फिनोप्थलीन, पी इज पिंक, चाइना रोज विल अगेन गिव रेड कलर और पिंकिश कलर आई कैन से इन एसिड एंड ग्रीन कलर इन द बेस, पीएच, देखो पीएच अलग चीज है, पीएच अलग है, दैट इज व्हाई इंडिकेटर क्या है, सिर्फ इंडिकेटर हमें एसिड या बेस में फर्क बताते हैं, पीएच हमें बताता है कितना कोई स्ट्रॉन्ग है कितना कोई वीक है, समझ आ रही है? दैट इज जस्ट टू इंडिकेट, समझ आ गई? चाइना रोज पिंक रेड कलर इन एसिड और ग्रीन इन बेस, ग्रीन इन बेस, बोलो कलर कोई इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी इन केस ऑफ योर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स वही कलर शो करते हैं, वो पीएच पेपर आपका कलर की वेरिएशन शो करता है, पीएच, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसके बाद आपके थोड़े ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, ऑल्फैक्ट्री जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो याद रखना एसिड की प्रेजेंस में किसी की भी स्मेल चेंज नहीं होती, चाहे वो अनियन है एसिड की प्रेजेंस में उसकी स्मेल रहेगी, वनीला है उसकी भी रहेगी, क्लोव है उसकी भी रहेगी, और जैसे ही बेस डालोगे तीनों की स्मेल चली जाएगी, दैट्स इट, ठीक है? फिर उसके बाद एसिड क्या होता है जो कि H प्लस दे, बेस क्या होता है जो OH नेगेटिव दे, अब एसिड की रिएक्शन आपकी मेटल्स के साथ है तो इट विल गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, कौन सा एसिड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देगा, जो मेटल अबव रिएक्ट हाइड्रोजन से ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन देगा, तो एक रिएक्शन आपकी है जिंक एंड HCl की, इट विल गिव यू जिंक क्लोराइड प्लस H2, देखो जब जिंक क्लोराइड प्लस H2 है दो तरह की साउंड आपको याद रखनी है बेटे, H2 पॉप साउंड देता है, जैसे पॉपकॉर्न नहीं होते जब आप बर्निंग मैस्टिक लेके आते हो इट विल गिव पॉप साउंड, पॉप पॉप की आवाज आती है, सेकेंड थिंग ये हाइड्रोजन अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक, जैसे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको एक फ्रीजिंग टाइप या हिसिंग जैसी साउंड आती है, जैसे कुछ बाहर आ रहा है, जैसे मैं कोक की बोतल खोलूं तो कुछ बाहर आता है, तो दिस इज कॉल्ड अ हिसिंग साउंड, ठीक है? समझ आ रही कुछ? हम एसिड की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, एसिड क्या करेगा, पहले तो हमने लिटमस पेपर को देखा, हमने इंडिकेटर्स को देखा, फिर हमने देखा कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, ठीक है?
एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा? फिर उसके बाद बेटे एसिड अगेन एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा? कोई भी एसिड हमें पता है सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। कोई भी एसिड सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। सॉल्ट अकेला नमक नहीं होता, सॉल्ट कोई भी सॉल्ट हो जाए। अगर मैं HCl लूँ, अगर यहाँ पे मैं KOH ले लूँ, तो मेरा सॉल्ट क्या है? KCl एंड वाटर। सॉल्ट में जो कैटायनिक पोर्शन है वो बेस से आता है, जो एनायनिक पोर्शन है वो एसिड से आता है। ये होता है कैटाइन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये होता है एनायन जो कि एक नेगेटिवली चार्ज होता है। जब सॉल्ट जब एसिड प्लस बेस एक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनते हैं। देन एसिड प्लस कार्बोनेट्स एंड एसिड प्लस बाई कार्बोनेट्स, इन्हें इसको बोलोगे सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलोगे साइडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। जब बीच में एच लग जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्ट प्लस वाटर प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ये भी सॉल्ट प्लस वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देगा। देना दोनों नहीं है, वही प्रोडक्ट है। ठीक है, सहज क्या सीखा हमने अभी? एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखो ध्यान से रिएक्शंस को, सिर्फ अकेला मेटल है तब हाइड्रोजन गैस देता है, नहीं तो सॉल्ट के साथ वाटर 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 है। और कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट का सॉल्ट है तो यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ऐसे हाइड्रोक्लोरिक है। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, फॉस्फोरिक एसिड भी है, कार्बनिक एसिड भी है, सो मेनी एसिड आ जाए। हाइड्रोक्लोरिक ये क्या होता है? राइट, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि इसमें से बहुत चीजें बनती है। दिस इज अ, ये भी एसिड है। एसिड वो है जो एच प्लस दे। एसिड क्या है? जो एच प्लस दे। ये क्या? मुझे अपने स्टूडेंट्स को पता है क्या है? इसे कहते हैं एसिडिक एसिड, क्या कहते हैं? या इथेनोइक एसिड, क्या कहते हैं? बोलो, इथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड। सिरका सुनिए, सिरका, सिरका प्याज खाते हैं ना, उसमें यही एसिड होता है। हाँ, विनेगर भी कहते हैं उसको, उसमें थोड़ा सा ये वाला एसिड डाला होता है वाटर में। ठीक है, तो ये वाला कौन सा एसिड है? पी से स्टार्ट होता है, पी से नहीं मिलता। सर तो ना कैसे जाती है घर? स्टे बैक आज ऑटो वाले को लेट बुलाई हूँ। ट्यूशन पे देख गया मैं क्या पढ़ के आती है, दिख रहा है मुझे। बेटे पेपर नहीं होना, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। ये सारे एसिड है, ये कौन सा एसिड है? वेरी नाइस, दिस इज नाइट्रिक एसिड। ये सारे एसिड हैं, ये तीन, ये जो तीन है ना, दीज आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, और ये होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है। ठीक है, और
और जैसे ये इसके साथ OH लगा है, ये देखो OH लगा है ना, ये सारे बेस हैं, फॉस्फोरिक एसिड, ये थोड़ा वीक एसिड है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो बेटे वैसे फॉस्फोरिक एसिड है, मगर जब आप बी ब्लॉक पढ़ोगे तो हम आपको परक्लोरिक एसिड भी करवाएंगे, पिक्रिक एसिड भी करवाएंगे। पिक्रिक एसिड में फिनॉल है, रैदर इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वैसे तो एक्वा रीजिया जब आप दोनों को मिक्स करते हो 3:1 में, वो तो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। फिर कहा है, वो दोनों का मिक्सचर स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर कोई भी ऑक्साइड हो, कोई भी ऑक्साइड हो, उसको भी आप एसिड में डालते हो, तब भी आपको क्या मिलता है, बेस प्लस वाटर। तो कंक्लूजन ये है कि अकेले मेटल को जब एसिड से रिएक्ट करते हो, तब आपको सिर्फ एंड सिर्फ, सो रहे हो, सब सो रहे हो, ठीक है, सिर्फ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन वाटर तब मिलता है। अगर कुछ भी, चाहे ऑक्साइड ले लो, चाहे हाइड्रोक्साइड ले लो, चाहे कार्बोनेट ले लो, सॉल्ट एंड वाटर ही मिलना है। कार्बोनेट के केस में आपको क्या मिल जाना है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिल जाना है, कार्बन। वो तो आपका कंजर्वेशन ऑफ मास है, दैट इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। तो आप बाद में बैलेंसिंग करोगे इसकी। हाँ, बैलेंसिंग आप फॉर्मूला में चेंजेस नहीं लेके आते, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन नहीं आप चेंज कर सकते। ओके, ठीक है, फेज ओके, पढ़ लिया पेपर। NaCl प्लस वाटर, इसके बाद आपने ये याद रखना है कि जिंक अकेला चाहे हो, जिंक की ऑक्साइड हो, ये दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी। ये एक ऐसा मेटल है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी। वैसे ही ये एक ऐसा मेटल है जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी, ठीक है। इट विल रिएक्ट विद एसिड, इट विल रिएक्ट विद बेस। मेटल हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, शायद मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल की ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करती है, एसिड के साथ। मेटल की हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करती है, सब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल का जो भी चीज है वो बेसिक इन नेचर है। कैसी नेचर है, नॉन मेटल की जो भी चीज, उसकी कैसी नेचर है, एसिडिक। मगर ये दो मेटल्स आपने याद रखने हैं, जिनकी क्या है, दो ने दोनों नेचर। तो ये क्या कहते हैं इसको, एम्फोटेरिक, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जिंक क्लोराइड प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन। इस केस में, इस केस में, इस केस में अगर यहां पे ऑक्सीजन लिखा होता साथ में, तो यहां पे वाटर बना देते। अगर यहां पे वाटर डला होगा, तब भी यहां पे वाटर बना देते। समझ आ रही है। मेटल क्या होते हैं, मेटल की ऑक्साइड किस नेचर की होती है सर, मेटल ऑक्साइड बेसिक एसिडिक। हाँ, उनकी ऑक्साइड बेसिक नेचर है। हाँ, ये वाले दो मेटल दोनों नेचर दिखाते हैं। समझ आ गई। अब अच्छा, जब हमने कोई भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, चलो ये तो मैंने ले ली एग्जांपल, में और कोई कार्बोनेट के लूँ, जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो विल गेट मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझ
अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए क्या करोगे आप? लाइम वाटर। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड विद लाइम वाटर इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसका व्हाइट कलर होने के कारण ये हमें लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, मिल्की मिल्क जैसा। ठीक है। अच्छा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पास करवा दोगे तब क्या होगा सर? क्यों? बेटे जब आप कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पास करवा देते हो तो ये क्या बन जाती है? इट विल टर्न इनटू बाई कार्बोनेट। इट विल टर्न इनटू बाई कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल। ठीक है। हाँ ओके। तो आपने ये याद रखना है कि जब मिल्की होती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पास करवा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की। मगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पास करवा दो तो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, मिल्कीनेस खत्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि ये सॉल्युबल है। ये क्या है? ठीक है सर। बेटे आपने नहीं, ऊपर एक टेस्ट ट्यूब होती है, गार्ड ट्यूब होगी, तो वो उस गार्ड ट्यूब में मिल्की अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और पास करवाते गए टेस्ट ट्यूब से और निकल देगी तो अपने आप कलर चला जाएगा। हाँ, जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, तो पहले आई तो हमें मिल्की पता चल ही गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड का इवॉल्व मिल्कीनेस तो क्या देखनी है, वैसी एफ्लोरेसेंस हो जाती है इन लैब। मिल्कीनेस तो आपको चलो 10th स्टैंडर्ड तक हम करवाते हैं, अदरवाइज जब यू विल डू इन क्लास प्लस वन प्रैक्टिकल आएंगे तो आप कार्बोनेट्स का देखना हो तो इट विल गिव एफ्लोरेसेंस। वो जैसे थम्स अप की बॉटल खोलने से वो झाग झाग सी बाहर आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड झाग झाग सी देती है। ओके। तो ये एफर्वेसेंस टर्म भी कनेक्टेड है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब तो बेटे रिएक्शन क्या नहीं, अब तो रिएक्शन होगी खत्म। बोर्ड ने आपको बहुत इजी कर दिया, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसा आता था कि अ सॉल्ट इज रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म अनदर सॉल्ट एट गिविंग अ गैस। ठीक है, विच विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो व्हाट इज द गैस एंड राइट द रिएक्शन विद लाइम वाटर। तो आप रिएक्शन लिखते थे एंड आफ्टर सम टाइम द कलर ऑफ लाइम वाटर मिल्कीनेस डिसअपियर, सो राइट द रिएक्शन अगेन। तो ये फिर अगेन लिखते थे बच्चे। अब अगेन वाला खत्म हो गया, अब चार ऑप्शन हो गए, टिक्की लगाना है बस, लगा दियो प्लीज। वो बाद में सैंपल पेपर से अभी तो क्वेश्चन नहीं आ रहा, सैंपल पेपर से हम क्वेश्चन डालने वाले हैं अभी। हम आपको लगता है कि आपको ही क्वेश्चन हम दे देंगे पेपर में? सैंपल पेपर बोर्ड से पहले भी डिस्कस हो सकते हैं, लेवल तो आपको पढ़ के आओगे तो पता चलेगा। जब पढ़ा होगा तो लेवल बहुत छोटा सा लेवल है, ना पढ़ा हो तो बहुत है। ठीक है। उसके बाद देर आर 50-40 में टर्न हो जाएंगे, 50 में से 50 करने हैं आपने, 15 ही है, 15 पर। वेट, चलो आगे समझो, बाद में बातें, बाद में पहले समझो 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 पहले। देन बेटे इसके बाद आप करते हो एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद आप करते हो कि एसिड क्या देता है और बेस क्या देता है। ठीक है। एक एग्जांपल आती है ग्लूकोज और अल्कोहल की। अगर आप ग्लूकोज को पानी में डालते हो वो भी सॉल्युबल है, अल्कोहल को पानी में डालते हो, अल्कोहल कैन बी एनी
उसको पानी में डालते हो तो वो भी सॉल्युबल है, ठीक है, मगर ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। क्या कॉमन है एसिड बेस में? एसिड बेस में कॉमन ये है कि दोनों चाहे एसिड हैं चाहे बेस हैं और चाहे सॉल्ट है, मैं इसमें सॉल्ट भी इंक्लूड कर देती होती हूँ, ये सब आयंस देते हैं, इन सब में यही कॉमन है कि ये सब आयंस देते हैं, ठीक है। जब एसिड होगा तो H+ देगा, जब बेस होगा तो OH नेगेटिव देगा, जब सॉल्ट होगा तो डिपेंडिंग आपका सॉल्ट क्या है वैसे आयंस मिल जाते हैं, और जो आयंस देगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब ये दोनों डिजोल्व तो करते हैं वाटर में, मगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि ये आयंस नहीं देते, तो ये वाटर में डिजोल्व क्यों करते हैं? तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। दे विल फॉर्म बॉन्ड विद वाटर, दे विल नॉट आयोनाइज। जो आयोनाइज करेगा वही आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इन सबको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, इन सबको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। उसके बाद बेटे जैसे कि आप जिंक प्लस HCl करते हो, और अगर आप थोड़ा सा भी वाटर नहीं प्रोवाइड करोगे, नहीं ये रिएक्शन इसमें नहीं आएगी, अगर इफ यू आर फॉर्मिंग एसिड, ठीक है, ये गैस की फॉर्म में आएगी बाहर, तो ये आपके इंडिकेटर को नहीं चेंज करेगी। क्यों नहीं चेंज करेगी? क्योंकि जब तक बेस को या एसिड को पानी नहीं मिलता, ये आयोनाइज नहीं करता। जब आपसे पूछा जाए कि HCl गैस आयोनाइज नहीं करेगी, तो ये लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं करेगी। जो HCl, जब इसको थोड़ा सा भी लिक्विड मिलेगा, वो आयोनाइज कर जाएगी और वो लिटमस पेपर के कलर को क्या कर देगी? चेंज कर देगी। समझ आ रही है? हाँ, वॉल्टर में आयोनाइज है। फिर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड, किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है ये किया है, जैसे कि आपके टोमेटो में क्या है? ऑक्जैलिक एसिड, ठीक है। फिर आपकी वो एंट स्टिंग या नेटल प्लांट में मिथेनोइक एसिड है, ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी आप सिट्रस फ्रूट करते हो, देयर इज सिट्रिक एसिड, देन टैमरिन में टार्ट्रिक एसिड है, तो आपको ये एसिड कहाँ है वो पता होने चाहिए। फिर उसके बाद आप पीएच की बात करते हो, और यस, एसिड को डाइल्यूट कैसे करना है? तो एसिड को डाइल्यूट करने के लिए पहले हमने पानी लेना है, उसमें एसिड डालना है। फर्स्ट यू हैव टू हैव वाटर, देन यू विल एड एसिड इन टू इट, बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। देन आप बात करते हो बेटे पीएच की, pH 7 न्यूट्रल, लेस देन 7 एसिडिक, मोर देन 7 बेसिक। तो यहाँ पे सारे ए वाले हैं, यहाँ पे सारे बी वाले हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड, आता है क्या? नहीं होगी। तो दिस इज एसिड, दिस इज बेस। जैसे जैसे यहाँ पे जाते जाओगे मोर बेसिक, जैसे जैसे वहां पे जाते जाओगे इट इज मोर एसिडिक। पीएच अकेली एसिड बेस की नहीं होती, पीएच सॉल्ट की भी होती है, ठीक है। जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बनाओ, उसकी पीएच क्या होगी? न्यूट्रल। जो सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का बनाओगी, उसकी भी पीएच क्या होगी? न्यूट्रल। जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का बना होगा वो एसिडिक, जो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का बना होगा बेसिक। तो पहले आपको एसिड बेस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सॉल्ट बनाओगे। समझ आ रही है? तो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है पीएच ऑफ सॉल्ट, वो सारे सॉल्ट एक्सट्रैक्ट कर लो, कौन कौन से लिखे हैं। चलिए अभी करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अगर आपकी सॉइल एसिडिक नेचर है तो बेस क्या डालोगे? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है।
अगर रेन वाटर की पीएच बिलो 5.5 हो जाए, अब तब हम कहते हैं एसिडिक इन नेचर है। अगर आपका माउथ की पीएच बेसिक होती है, अगर इट इज आल्सो एसिडिक, देन आप बेसिक टूथ पे यूज करते हो, एंटी एसिड भी फंक्शन पे वर्क करते हैं। फिर हम उसके बाद सॉल्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप बनाते हो NaOH क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस फ्रॉम ब्राइन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको बोला है कि आपने नमक लेना है, उसको पानी में घोल देना है, तो आपके पास क्या बन जाना है, एक बेस, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या किया हमने, नमक लिया, पानी में डाल दिया, इसकी कर दी इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमें क्लोर मीन्स क्लोरीन मिल गई, अल्कली मीन्स NaOH मिल गई, साथ में हाइड्रोजन बोनस। तो ये तीनों की आपने यूजेस कर लेनी है, तीनों की यूजेस ध्यान से। ठीक है, हाँ, टर्मरिक पाउडर में नहीं होता, वो इमली में होता है। टर्मरिक तो हल्दी है बेटे, दैट इज इंडिकेटर वी चेंज रेड इन बेस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटे ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को और क्या बोलोगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये क्या हो गया, देख ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन है, ये क्लोराइड है, इट इज कैल्शियम ओके, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसकी भी यूजेस पता होनी चाहिए, ब्लीचिंग है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, सब पढ़ लेनी आपने। अच्छा, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बनाया था बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में फिर आपने क्या किया था, नमक लिया था, उसको फिर से पानी में घोल दिया था, उसके अंदर दो गैसेस डाल दी थी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, नमक लिया, पानी में घोला, दो गैसेस डाली, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो हमें दो सॉल्ट मिल गए, अमोनियम क्लोराइड, और जो सॉल्ट लेके आना था, कौन सा सॉल्ट लेके आना था, नाइट्रिक एसिड। बेकिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला है, इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। दूसरे तीसरे चौथे नेम सब आपको बताना चाहिए, समझ आ रही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन सबका नेम पता होना चाहिए आपको। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलोगे, स्लेक लाइम भी बोलोगे, लाइम वाटर कब बोलते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, पोटेशियम ब्लीचिंग पाउडर है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, जो भी, जब इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, क्या मिल जाएगा, सोडियम, और इन साथ में क्या निकलेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस सोडियम कार्बोनेट को 10 वाटर के साथ कंबाइन करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉशिंग, तो जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज है, दिस 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 Na2CO3+10 वाटर, और पानी पाने तो एक 10 खत्म। फिर उसके बाद लास्ट है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें आपको जिप्सम और POP के बारे में पता होना चाहिए। POP ठीक है, हाफ वाटर के साथ होती है, कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर, जिप्सम में 2 वाटर हो जाते हैं, तो इसको हैमी हाइड्रेट भी कहते हैं, पता है। दूसरों को भी पढ़ लियो,